हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे है और आज है बर्थडे की मॉर्निंग और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए पास्ता, क्योंकि अरुण ने कल ही बोल दिया था रात को ही कि मुझे पास्ता चाहिए सुबह में। तो बच्चे जैसे नॉर्मल पास्ता खाते हैं, मैं उसी टाइप से बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता मसाला वगैरह दे करके। और आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी बारिश हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। लग रहा है जैसे कि बारिश के मौसम जो होते हैं ना, महीने होते हैं ना, बारिश वाले महीने हैं वैसे। दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो मैंने पास्ता रेडी कर लिया और मैं गर्मा गर्म पास्ता जो है वो डाल रही हूँ। लेकिन पास्ते में यहाँ पे अगर मैं चीज़ वगैरह डालती तो और टेस्टी लगते, लेकिन चीज़ वगैरह डाल देने से क्या हो जाता है ना कि जब बच्चों की टिफ़िन तो थोड़ी ठंडी तो हो ही जाती है जब वो खाते हैं, तो लेकिन तो स्टिकी हो जाती है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं भगवान के भोग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रसाद मंगा लिए थे सुबह में ही। तो तीन चार तरह के मैंने प्रसाद मंगवाए थे क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चों की बर्थडे है। तो काजू कतली है, यहाँ पे गोंद के लड्डू हैं और एक चॉकलेट मिठाई है और एक मैंने यहाँ पे बालूशाही लिया था, तो वही सब है। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, मुझे भी है इसको। यहाँ पे हो चुकी है अब शाम और शाह भी आ चुके हैं ऑफिस से, आज इनकी भी ऑफिस थी। वैसे तो हमेशा बर्थडे में इनकी ऑफिस रहती ही है और जिस दिन घर में काम हो ना उस दिन साहब को भी ऑफिस में बहुत काम हो जाता है। तो आज इस बार क्या हो रहा है कि हम लोग किसी को बुला नहीं रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। तो फ्रेंड आज है बच्चों का बर्थडे जैसा कि मैंने आपको बताया था और इसकी ब्लॉग भी आप देख चुके हैं, एक दिन पहले गई थी। तो आज दोनों बच्चों के बर्थडे हैं और आज ऐसा हो गया कि घर में इतने सारे काम हो गए हैं ना फर्नीचर के और बहुत सारे हम इस घर में काम चल रहे हैं ना इनॉग्रेशन के, बच्चों के कमरे के रूम के सारे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि घर में कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं किया है और बस हम चार लोग हैं, दोनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम चारों ही इस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब बारिश तो रुक ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा रुक रुक के बारिश हुए जा रही है और कंटिन्यू दो दिन से बारिश चल रही है। यहाँ पे ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और घर में मतलब गेस्ट बुलाने की जगह नहीं है कि गेस्ट को बुलाने के बाद हम उन्हें बैठाएंगे कहाँ पे, तो क्योंकि हर जगह सामान बांध बांध के रखा हुआ है रूम खाली कर करके देने की वजह से, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं है, तो इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं। समझ रहे कि जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में जैसे लोग किसी को नहीं बुला रहे थे, खुद ही अपने अपनी अपनी जो भी अपने सेलिब्रेशन थे खुद ही कर रहे थे घर के लोग लोगों के बीच में। मेरी सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी मतलब खांसी मेरी कम ही नहीं हो रही है, मतलब कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है अभी। तो बस वही सोच लेते हैं, बच्चों को भी हमने वही कहा है कि बस वही सोच लो कि वही उसी तरीके से कुछ ऐसा है कि हम पार्टी नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बुला सकते क्योंकि लोगों को बैठाने के लिए भी जगह घर में नहीं है। मतलब बताया ही मैंने आपको कि बस कब सारे सामान को बांध बांध के रख दिया गया है किसी किसी तरीके से। तो खैर कोई बात नहीं है, हम चार लोग ही हैं और एक छोटी सी पार्टी चार लोगों के बीच में ही हम लोग कर रहे हैं, मतलब केक कटिंग का मतलब शरीमनी है तो होना तो चाहिए ही ना, सेलिब्रेशन तो होना चाहिए बच्चों के, चाहे हालात कुछ भी हो, तो इस वजह से है। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए और अरुल और समृद्धि को आप सभी अपना आशीर्वाद। दोनों बच्चे बहुत ही मतलब बहुत ही समझदार भी हैं और मेरी बातों को समझते भी हैं। खैर कोई बात नहीं है, इस साल है, अगले साल हम और अच्छे से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ कि बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय दोनों रेडी हैं, दोनों के बर्थडे एक ही साथ आते हैं। तो मैं अपने हर हमेशा के ब्लॉग में जब भी बच्चों के बर्थडे के ब्लॉग डालती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि दोनों के बर्थडे एक ही दिन आते हैं क्योंकि दोनों का जन्म दोनों में 4 साल की गैपिंग है,
बलून्स वगैरह जो लगे हैं वो फूट रहे हैं। तो 4 साल की गैपिंग है, लेकिन बर्थडे का डेट जो है ना, मंथ का, वो सेम है दोनों का। ईयर दोनों में, ईयर में 4 ईयर के गैप है। तो चलिए फ्रेंड, बच्चों को दिखाती हूँ वो दोनों क्या पहन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ मैं बाहर आकर के बैठ गई और ये देखिए मेरे दोनों बच्चों की लुक। तो अभी आरुल ने ब्लेज़र नहीं पहना है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ शहाब का, क्योंकि वो फिर मार्केट निकल गए थे, उन्हें कुछ काम था। तो चलिए अभी शहाब का इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पे समृद्धि के ये आउटफिट देखिए, तो इसने ये फ़्रॉक लिया। काफ़ी फ्रॉक देखने के बाद इसे ये फ़्रॉक पसंद आया था, फ़्रॉक अच्छी भी लग रही है। और इसने ईयर रिंग लिया है, वो आपको दिखा रही है। और शहाब भी आ चुके हैं, रेडी हो गए हैं और अब केक कटने की तैयारी हो रही है। बच्चे को जो है रिबन वगैरह ये दोनों लगवा रहे हैं, और वो भी पापा से ही करवाना रहता है इन लोगों को। तो खैर चलिए, लेट काफ़ी हो गई है, तो फटाफट केक काटने की तैयारी की जाए। तो केक वगैरह मैंने ला के यहाँ पे रख दिया है और मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बैठ गए हैं केक काटने के लिए, और हम लोग दे रहे हैं पोज़ फ़ोटो के लिए। तो फोटो क्लिक हो गए हैं, अब दोनों केक काटेंगे। तो पहले काटेगी शैमू और फिर काटेंगे आरू, यहाँ पर है। और मैं अभी दोनों के करूँगी टीका। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए और मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चों को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या चाहिए, इन्हें आशीर्वाद चाहिए अच्छी ज़िंदगी के लिए। और गिफ्ट तो बच्चों को मिल ही जाते हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो दोनों बहुत उत्साहित होते हैं और एक साथ होते हैं दोनों जुड़वा नहीं हैं, जुड़वा न होते हुए भी दोनों के बर्थडे एक दिन आते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। खैर आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्या है, ये मैंने बता दिया है कि दोनों के बीच में 4 साल की गैपिंग है। और यहाँ पे दोनों के टीके हो रहे हैं, तो पापा ने भी टीका किया है। और चलिए अब हम लोग दोनों बैठ करके अब इनके केक कटवाया जाए। तो आ जाइए आप लोग भी। चलिए फ्रेंड, एक का तो केक कट गया है, शैमू ने केक काट लिया है अपना, अब बारी है आरुल की। तो पहले समृद्धि को केक वगैरह खिला लेते हैं। तो हमारा ऐसे ही चलता है जैसे दो लोग के जुड़े बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ बच्चों के केक कट गए हैं और हम सभी अब निकल रहे हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वाला ऐसे तो काफी खुल रहे हैं, लेकिन बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। मैं एकदम हीरो लग रहे हो, मैट लग रहा है, बताइएगा कमेंट में। तो आज हम लोग जिस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि ये रेस्टोरेंट खुला ही कुछ दिन पहले है और काफ़ी अच्छा है और हमारे घर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है। 4 सीजन नाम है इस होटल का, ये होटल है, हम लोग इसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है वो 5th फ्लोर पे है। तो जो लोग हमारे शहर से हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये मुझे अभी तो मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं दे सकती हूँ जब तक कि मैं वहाँ जा कर के और वहाँ के की सर्विस और वहाँ के फूड वगैरह टेस्ट वगैरह के बारे में खुद से नहीं मैं मतलब उसको ये कर लेती हूँ, एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, तब तक मैं आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंड जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है और फटाफट यहाँ पे आ भी रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं और ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा था। तो यहाँ पे और भीड़ भी है और काफ़ी बड़ी, मतलब ये रेस्टोरेंट का एरिया काफ़ी बड़ा है और जिन्हें खुले आसमान के नीचे खाना है उन्हें उस तरीके का भी मिल सकता है। मतलब यहाँ पे गार्डन टेबल की भी सुविधा है, काफ़ी अच्छी है। आप बच्चों के साथ भी अगर आएँगे तो मतलब नहीं, बच्चों के साथ बहुत छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग वगैरह और बालकनी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। अगर साथ में लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। और
इसके फूड हमें काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी टेस्टी थी, सर्विस काफ़ी फास्ट थी, वो भी अच्छी लगी है। तो यहाँ पे हम फिर दोबारे आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे यहाँ के फूड के टेस्ट की यहाँ तक बात है, काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए, हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, मतलब रात का डिनर ले लिया है, हम सभी निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना कि पूछिए मत। मतलब ऐसा मौसम है, बारिश जैसा मौसम हो के, मतलब बारिश हो भी रही है 2 दिन से। और मैं आपको इस होटल के को दिखाती हूँ ऊपर से, ये देखिए बाहर आपको दिख रहा होगा, खुले आसमान के नीचे चेयर वगैरह लगे हुए हैं, सिर्फ फिर उसके नीचे के फ्लोर में भी वैसे ही लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा है। और ये 7th फ्लोर का ये होटल है, और इसके यहाँ पे देख सकते हैं इसके गार्डन एरिया है, जहाँ पे टेबल वगैरह आप यहाँ बाहर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पे अगर आप ला रहे हैं तो बच्चे भी थोड़े बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बट थोड़ा बच्चों को केयर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत ही सेफ़ नहीं लग रहा है। जहाँ पे मैं बैठी थी, मैं तो अंदर में बैठी थी, लेकिन बाहर जहाँ तक मैंने उस एरिया को देखा है, तो चलिए मेरे जो प्रिंस है वो भी अब निकल रहे हैं, और प्रिंसेस मेरी बहुत उदास हो गई है। मेरे प्रिंस को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रिंसेस मेरी इसलिए नाराज़ हो गई है, मतलब नाराज़ नहीं हुई, उदास हो गई है। उसे ये लग रहा है कि मेरा बर्थडे आज ख़त्म हो गया, आज का बीत गया है, अब नेक्स्ट मतलब पूरे 1 साल मुझे इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो तो समय चक्र है, वो तो चलेगा ही। तो खैर चलिए, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, अगर आप मेरे शहर से हैं तो आ सकते हैं। ये राहट गाँव के पास में है रेस्टोरेंट, आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अब घर। तो मेरी ये वीडियो में फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।